रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम साडी दुआ साडे बहन भी अल्लाह ताला खुश रखे शादो आबाद रखे। इसे दुआ ना करनी अज की वीडियो शुरू। अज की वीडियो कुछ इस तरह जी कि अज समझ लो अभी सुबह सुबह दे उठ के पहुंचे हुए हैं मस्जिद तो गए हुए थे गड्डी का पता करने वास्ते बजरी वाली का। बजरी वाली गड्डिया उदा दे आ नहीं रही है साढ़े को। और इतने एक होटल हैगा जी, उत्थे होटल के उपर आ गड्डिया रुक जा जी बजरी वाली पिछों आदि आ होटल तो रुक दियाँ उतो पठान जोड़े खाना शाना खा के तो फिर अगर गड्डिया लैके निकलते हैं जिते जितने जाना होंगे। तो असी सानू गड्डी मिली है 8 सैकड़े जी, ठीक है जी। 7 सैकड़े साड़ी छत पैनी सी, 1 सैकड़ा बजरी वध मंगवा आ गई है। असी चलो खैर है कोई गल नहीं, क्योंकि असी उपर भी अंदर वाली साइड पर भी सानू बजरी चाहिए, फिर जो फर्श कच्चे करने ना उत्थे सानू बजरी चाहिए है जी। और बजरी का ट्रक माशाल्लाह आ चुका होया जी, माशाल्लाह शटरिंग साड़ी फाइनल हो गई हुई सी पहले दी कल दी। चलदा उपर भी चल के शेयर कर देंगे, उपर बिजली वाला भाई जो पाइप वगैरह पा रहा है बिजली के स्पीकर जोड़े उपर जाने स्पीकर के और जिन्नी लाइट वगैरह या पखे वगैरह लगने वे सारा कुछ जोड़ा ना वो ला रहे हुए जी। पखे उपर छत आए लगाने का फैसला होया साडा कि पखे जोड़े ना छत आए लगाने हैं जी। दूसरे पखे जोड़े चैना के वो आरजी होंगे, तो आरजी पखे जोड़े ना जी। पखे तो सारे पाकिस्तान भी बनते चाइना के भी आते, लेकिन जो छत वाला पखा ना जी वो हवा कहते ज्यादा होंगी। चलो जी मैं क्या ठीक है पिछे माम दे अल्लाह अकबर जी। रेत आ चुकी सी पहले ही। और बजरी वाले भाई जड़े ना पता कि जो पठान आते ना बजरी लैके जी खान भाई इतने आने के फिर बहुत ज़्यादा ने इन्हों तो यह बालसन होंगे कच्चे दे के जी। यह सामने रोड सी, तो रोड तो चंद कदम थले गड्डी उतारनी देख सकते हैं सामने रोड तो इन्नी गड्डी पिछले लैके आनी थी। ये वास्ते सुबह आते बहस कर रहे थे कि भाई गड्डी साड़ी पिछे नहीं आएगी, गड्डी साड़ी बैक आएगी तो गड्डी साड़ी फस जानी है, गड्डी थले बह जानी है। तो असी उन्होंने पूरी अपनी गरंटी दी, गरंटी दे के असी भाई ताकि अगर गड्डी बह गई तो असं इतने मौजूद हाँ, असी ताकि गड्डी जिदा भी कढ़वाई है असं गड्डी वापसी उपर रोड पर चढ़ावे जी, ठीक है जी। माशाल्लाह गड्डी बड़ी गड्डी सी जी, पर जिथे असी कोशिश थी बजरी लगाने की उत्थे साड़ी बजरी नहीं रखी हैगी क्योंकि नहीं मने है कि नहीं भाई असी गड्डी उत्थे नहीं लगानी है जी। तो फिर इधर वाली साइड तो सू लानी पी है बजरी, यह खाली सामने प्लाट से इतने लवाई है बजरी हम लवा के बजरी के दाने बिल्कुल साफ सुथरे है, बजरी में कोई शक नहीं है कि बजरी बिल्कुल साफ सुथरी थाईलैंड ये फटे नहीं लाए इन्होंने उपरों फटे लाने दिया तो फिर देखते हैं की करते फटे नहीं उतारे ना बजरी का ढेर लग चुके बजरी साड़ी फालतू है लेकिन अंदर कच्चा के फर्शा के ना काम आ जाएगी साड़ी बजरी। चार बंदे लाने वास्ते लगे हुए तकरीबन अद्धी गड्डी खाली हुई है तो बजरी का ढेर लग गया, अद्धी गड्डी खाली हुई है बजरी का ढेर लग गया साड़ी घर। बाकी जी उतार दें बजरी, जिस जिस तरह बजरी उतरती है फिर नाल अपनी बहन भी शेयर कर दें क्योंकि बजरी माशाल्लाह जी लैके आए ना जी। बजरी तो मैं अगे भी दिखाया तो बजरी बिल्कुल साफ सुथरी है जी। चार बंदे उतार रहे हुए बाकी फिर देखते हैं जिस टाइम बजरी उतार दिया तो जी। अच्छा जी इधरों गड्डी खाली हो चुकी है, तो गड्डी खाली हो गई है अगली साइड रह गई, अगली साइड खाली कर रहे हुए दो बंद उपर चढ़ गया इधर वाली साइड से और दो बंद इतना चला रहे हैं। बड़ा ढेर लग गया जगह पक्की सी इस करके इधर लुहाती है बजरी जी। चलो गड्डी भी पिछे नहीं सी जाती हैगी, चलो गड्डी पिछे नहीं जाती कोई गल नहीं खैर है तो ला दो फिर इधर शटरिंग वाले ने शटरिंग वाले को 1000 रुपये मजदूरी वध देनी पै जाएगी हम सू
अच्छा छत के उपर पहुंच गया हाँ जी। और छत के उपर आके जी वायरिंग हुई है वह भी, और जरा कल सरिया बजा वो वाला भी, कल सरिए का जाल बजा साडा जी। ठीक है जी, और पै वेच चुके हैं बाकी जो फालतू पै पे भाई हम बहर कर दे। छे पखे लग गए जी, छे पखे लग गए, और स्पीकर की तार उपर निकल गई हुई है, वो जी उस स्पीकर की तार गई, और एक स्पीकर की तार उधरली साइड चली गई है जी। और उस तो बाद वीर जी इतों ना एक ये एक एसको ने जो पैप बहर कढ़ दौ डब्बी के एक एसको ने जो बहर कढ़ दौ। वो कारी साहब कह रहे कल अगर सानू गुंजाइश मिलती है ना अल्लाह खैर करे असं बड़ा मनार बनावे ना, जे एसको ने तो बनावे जो उसको ने तो बड़ा मनार जो बना इन्होंने कढ़ दा पैप बहर। हाँ बस सही है, सही हो गया, उसको तो छड़ता ਯੂਨਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਯੂਨਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਸ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਗੱਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਜਾਲ ਉੱਪਰ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਜਰੀ ਟਰੱਕ ਬਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਜਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਲਿੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਲਿੱਥ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਜਰੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਆਖਰੀ ਰੇਤ ਸਾਡੀ ਸੀਮਟ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਤ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਟ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸੀਮਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤੀ ਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਸੀਮਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ ਜੀ। ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਠੰਡੀ ਯੱਖ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਸੀਮਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਰਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡਰ ਭਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੱਤ ਦੀ ਭਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਾਈਨਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਨਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚਿਨਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਚਿਨਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਛੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵਨ ਟੂ ਆਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਸੀਮਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜਰੀ ਔਰ ਰੇਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਓਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਜਰੀ ਰੇਤ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਭਰਾਈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭੈਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਤਮ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਦਾ,
और ख़त्म शरीफ होएगा और उन्होंने अबाजदाद वास्ते और उन्होंने वास्ते और जिन्हिया फैमिली ने सू सपोर्ट किया मस्जिद के सारिया सारिया फैमिलिया वास्ते दुआ होएगी। अल्लाह पाक सारियां सेहत तंदुरुस्ती दे और जिस मकसद वास्ते हर किसी ने अपना अपना हिस्सा पाया जी अल्लाह पाक का हिस्सा अपनी बारगाह कबूल मंजूर और अपनी अज वाली वीडियो तो करांगे इत्थे एंड दोबारा कल एक नवी वीडियो नाल होवांगे हाजिर। खुदा हाफिज़।